हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। ये तीसरा पार्ट है हमारा और ये चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेस और सॉल्ट। दो वीडियो पहले आ चुकी हैं, वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। वीडियो छोटी रखने का रीज़न ये है कि बहुत से बच्चे ये बोलते थे कि वीडियो बहुत लंबी है, इस चक्कर में देखते नहीं थे और भाग जाते थे, इसलिए मैं अब वीडियो शॉर्ट रख रहा हूँ। पार्ट्स में आएंगी तो ठीक है, आपका भी इंटरेस्ट रहेगा कि आपने इतना पढ़ लिया, उसका आपने समरी बना लिया, फिर आपने पढ़ा, फिर आपने समरी बना लिया। बस चैनल के लिए कुछ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और शुरू की दो वीडियोस देख लो ताकि अच्छे समझ में हो, और अब ये तीसरी वीडियो है। यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस बनाने के जनरल मेथड से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, मेटल और ऑक्सीजन हीट कराते हैं और एक मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे 2Zn प्लस O2 उसको हीट करा देंगे तो 2ZnO बना देगा वो, ठीक। दूसरा मेथड क्या है, एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्यूबल मेटल ऑक्साइड या फिर एक्टिव मेटल पे। कैसे, Na2O है प्लस H2O है तो ये बना देगा 2NaOH, ठीक। तो ये सब बेस बनाने के तरीके हैं। तीसरा है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन लेस रिएक्टिव। स्टीम का क्या है रिएक्शन, Mg प्लस H2O, H2O आपकी स्टीम है, इसको हीट करा दीजिए तो MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस H2 अलग लिबरेट हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक। एसिड्स के बारे में क्या बताया था आपको, एसिड्स आर सार इन टेस्ट और बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट। दूसरा, इनका एक्शन ऑन स्किन, तो कॉस्टिक एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि दे रिएक्ट विद द ऑयल्स एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट ऑन आर स्किन, ठीक। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको सेकेंड वाले में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेकेंड वाले पार्ट वाली वीडियो में, और यहाँ पे इफेक्ट बता रहा हूँ मैं। तो रेड लिथमस सॉल्यूशन को ब्लू टर्न कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा और फिनोप्थिलीन को कलरलेस से पिंक कर देगा यहाँ पे। तो ये हो गए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमारे बेस की, तो इसको भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आती है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में आप समझिए HCl है, उसके साथ NaOH को हमने जोड़ा तो क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O। तो ये हो गया हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो न्यूट्रलाइजेशन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अब आप समझिए ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन वन मोल ऑफ H प्लस, मतलब या तो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंबाइन होता है विद वन मोल ऑफ OH माइनस दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन टू फॉर्म वन मोल ऑफ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एक मोल हाइड्रोनियम आयन का और एक मोल हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH माइनस का आपस में कंबाइन होगा, क्या बनाने के लिए, एक मोल वाटर का बनाने के लिए, तो उसमें जो हीट यूज होती है उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको आप डेफिनेटली आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है पीएच वैल्यू या पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। मतलब थोड़ा सा आसान समझाता हूँ मैं कि पीएच किसी भी सॉल्यूशन का नंबर होता है बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी उसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बताने के लिए जो 10 टू द पावर हम नेगेटिव में लेके जाते हैं वही उसका पीएच होता है, ठीक है। अच्छा, पीएच के बारे में आपको बता दूं, जो हमारा न्यूट्रल वाटर होगा, न्यूट्रल वाटर हो चाहे कुछ भी न्यूट्रल हो, उसका 10 टू द पावर माइनस 7 होगा, ठीक। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक है नेचर में, और अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है नेचर में। पीएच 0 से 14 तक होता है, ठीक है।
यहाँ पे अब आप मतलब कुछ चीज़ें समझ लीजिए पीएच के बारे में, कि 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 पे है तो न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल होता है इसीलिए, 7 से ऊपर है तो वो बेसिक है, जितना उधर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक होता रहेगा, और जितना इधर घटता जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया पीएच। अच्छा, पीएच की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ आती है ये भी आप जान लीजिए। पीएच की इम्पोर्टेंस आप समझिए कहाँ आती है, एग्रीकल्चर में, जो सॉइल होती है सॉइल का पीएच आप पता कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक, मेडिसिन वगैरह में, ब्लड और इन सब में हम लोग पीएच वैल्यू नोट करते हैं। तो इन सब जगह, ये सब कुछ जगह ऐसी हैं, डाइजेशन में, इन सब जगह हम लोगों को पीएच की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है, ये है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? तो अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ मेड फ्रॉम एन एसिड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड बाय ए मेटल और ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। कैसे? HCl प्लस NaOH रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है और H2O बनाता है, ठीक। यहाँ पे NaCl हमारी सॉल्ट है। अब सॉल्ट होती कितने तरीके की है? सॉल्ट दो तरीके की होती है, एक है नॉर्मल सॉल्ट, एक होती है एसिड सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या है? सॉल्ट विच डू नॉट कंटेन एनी आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। मतलब NaCl हो गया, KNO3 हो गया, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, ये सब हो गए नॉर्मल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट्स कंटेन्स ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे एसिड सॉल्ट। अच्छा, एसिड सॉल्ट का एग्जांपल दे देता हूँ, NaHSO4, ये एसिड सॉल्ट हो गया। इसके अलावा बेसिक सॉल्ट और डबल सॉल्ट भी आप समझ लीजिए। बेसिक सॉल्ट क्या है? बेसिक सॉल्ट है सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिड बेस। पॉली एसिड बेस का जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उससे जो सॉल्ट बनती है उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे MgOH होल्ट वाइस है, वो HCl से रिएक्ट करता है तो MgOH Cl बना देता है और H2O अलग हो जाता है, तो ये जो सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट को हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। दूसरा है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ये है कि दीज आर द एडिशन कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय मिक्सिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सी बात ये समझिए, अगर दो सिंपल सॉल्ट हैं उसकी हम लोग मिक्सिंग कर दे रहे हैं और बाद में क्रिस्टलाइजेशन हो जा रहा है, तो जो सॉल्ट बन रही है वो डबल सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बता दूं मैं, तो द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सिंपल सॉल्ट फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड इट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर सिमिलर टू डबल सॉल्ट, ठीक। तो इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में अगेन वही रिएक्शंस हैं, तो वो रिएक्शंस आप देख लेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बताना ही पड़ेगा। अब एक चीज़ आ जाती है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट मे बी डिफाइंड एज द इंटरैक्शन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विद अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ वाटर टू गिव एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। सपोज क्या है, ए बी है कोई, तो ए बी डिसोसिएट हो गया ए प्लस और बी माइनस में, उसी तरह H2O है वो डिसोसिएट हो गया H प्लस और OH माइनस में, तो जो A प्लस है वो OH से रिएक्ट कर देगा और AOH बना देगा एक कंपाउंड जो कि हमारा बेस है, और वो B माइनस हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाएगा, वो HB बना देगा और ये हमारा एसिड है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे ये है, या हाइड्रेटेड सॉल्ट ये है, सब्सटेंसेस विच आर एसोसिएटेड विद सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाउंड टू इट्स वन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड हाइड्रेटेड। मतलब आपने देखा होगा CuSO4 0.5H2O, तो ये जो 0.5H2O है ना, इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक। या फिर FeSO4 0.7H2O, ये भी है आपके जो 0.7H2O है ना, ये सब आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ही आते हैं, ठीक है। अब ये वाली थोड़ी सी लंबी कर दे रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इसमें आपको तीन चीज़ें और बतानी है।
इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस, डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ये आप समझ लीजिए। इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब एयर से एक्सपोजर होगा, अगर वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दे रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। इसका एग्जाम्पल है CuSO4.5H2O। ठीक, डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मॉइस्चर से जो एयर होती है ना, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, दैट इज FeCl3। ठीक, तीसरा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ये होते हैं, ऑन एक्सपोजर टू एयर दे एब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। मतलब जिस सब्सटेंस के साथ वो कहीं रखे गए हैं, वो उस सब्सटेंस से उसका मॉइस्चर खींच लेते हैं। ये जैसे कि क्विक लाइन, दैट इज CaO, ये सब हमारे हाइग्रोस्कोपिक हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, डेलिक्यूसेंट कौन से होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं। तो बस ये चैप्टर यहीं तक का था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनल था तो थोड़ा सा लंबा हो गया। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।